स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर. ये हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है एबीसीडी. पहले गिवन भी लिख लेते हैं. एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल. डायगनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल. इसके डायगनल्स इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. और बाइसेक्ट करती हैं राइट एंगल पर. देन इट इज अ स्क्वायर. हमें जो शो करना है वो शो करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक स्क्वायर है. ठीक है. तो गिवन में एक ये एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमें क्या क्या गिवन है. ए सी इज इक्वल टू बी डी. इसकी डायगनल्स इक्वल हैं. डायगनल बाइसेक्ट करती हैं राइट एंगल पर. यानी कि बाइसेक्ट का मतलब हो गया ओ ए इज इक्वल टू ओ सी. ये इसके इक्वल है. और ओ बी इक्वल टू ओ डी. ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. और राइट एंगल का मतलब है ये जो एंगल्स हैं ये वाले ये 90 डिग्री हैं. ठीक है. इसको मैंने नेम दे दिया एंगल 1, 2, 3, 4. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. सारे एंगल कितने हैं 90 डिग्री. ईच एंगल इज 90 डिग्री. टू प्रूव जो हमें शो करना है एबीसीडी इज अ स्क्वायर. इसे स्क्वायर शो करना है. तो स्क्वायर शो करने के लिए हमें चारों साइड्स इस क्वाड्रिलेटरल की इक्वल शो करनी है और ईच एंगल 90 डिग्री शो करना है. ठीक है. तो इसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए. ठीक है. एक तो ये शो करना है और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी. सारे एंगल हमें 90 डिग्री शो करने हैं. ये दो चीजें हमारी रिक्वायरमेंट है. स्टार्ट करते हैं प्रूफ. सबसे पहले मैंने ये दो ट्राइंगल्स ले लिए. एक ट्राइंगल ले लिया ए ओ बी और एक ट्राइंगल ले लिया बी ओ सी. इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी. अब देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ सी. इस वाले ट्राइंगल की साइड ओ ए इक्वल है ओ सी के. ठीक है. क्या चीज है ये गिवन. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री. ओ बी दोनों में ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन. ओ बी साइड जो है वो दोनों ट्राइंगल्स की साइड है. तो इसको हमने लिखा कॉमन. तो साइड एंगल साइड बाय एस ए एस रूल ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हो गए. ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी बाय साइड एंगल साइड रूल. इन दोनों को ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रेंट करके सीपीसीटी से ए बी और बी सी साइड इक्वल शो कर दी. ए बी साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू बी सी ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी बाय सीपीसीटी. ठीक है. ये और ये साइड इक्वल हो गई. अब इसी तरह से अब हम सारे ट्राइंगल्स को में कॉन्ग्रेंसी नहीं करेंगे. अब हम देख सकते हैं बी ओ सी ट्राइंगल और डी ओ सी ट्राइंगल में. इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल डी ओ सी. अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिए सेम चीज ही है. कौन कौन सी. ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. ओ सी इज इक्वल टू ओ सी. साइड एंगल साइड. दोबारा से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ओ सी. आप यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं सिमिलरली. जैसे ये करा था ना सिमिलरली ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ओ सी. और इससे हमारे पास आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू सी टी सी डी बाय सीपीसीटी. ठीक है. ये दोनों ट्राइंगल हम साइड एंगल साइड एस सी एस रूल से साइड. ठीक है. फिर एंगल फिर साइड रूल से कॉन्ग्रेंट दिखा देंगे और बी सी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली
ट्राइंगल डी ओ सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल डी ओ ए के, ठीक है, या ए ओ डी बाय साइड एंगल साइड रूल। इसमें भी सेम चीज ही है, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, ओ डी ओ डी कॉमन। ऐसे ऐसे रूल से ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, सिमिलरली लिख दिया हमने। और इससे भी हमें मिल जाएगा डी सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी लिख देना बाय सी पी सी टी, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हमें क्या मिला, ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी और सी डी इज इक्वल टू ए डी। चारों साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई, ठीक है। एक ये चीज हमें लानी थी, ये हो गई। अब हमें ईच एंगल 90 डिग्री शो करना है। अगर चारों साइड इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स इक्वल होती हैं, फोर साइड जो हैं ये इक्वल होती हैं, तो वो रोम्बस कहलाता है, ठीक है। अब आगे हम लेंगे इन दो ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए, ठीक है। इसमें डी ए और सी बी इक्वल है, डी ए इज इक्वल टू सी बी, ये हमने प्रूव कर दिया। चारों साइड्स इक्वल है ना, तो ये इक्वल हो गया, प्रूफ लिख सकते हो आप। सेकंड, डायगनल्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, ये हमें गिवन था, डी बी इज इक्वल टू सी ए, डी बी इज इक्वल टू सी ए, ये दोनों क्या है, डायगनल्स है ना, क्वाड्रिलेटरल के और क्वाड्रिलेटरल के डायगनल्स हमें इक्वल गिवन है। अब तीसरी चीज, इस वाला ये वाला ट्राइंगल किस बेस पे बना है, ए बी पर, और ये वाला ट्राइंगल किस बेस पे बना है, बी ए पर, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसका रीजन क्या है, कॉमन, दोनों ट्राइंगल में ही साइड कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ट्राइंगल डी ए बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ए बी सी बी ए बाय साइड 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 रूल, ठीक है। इससे अब हमें क्या मिलेगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाय सी पी सी टी, ठीक है। इन दो ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रेंट, ए वाला और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके हमने एंगल ए और एंगल बी इक्वल शो कर दिए बाय सी पी सी टी से। अब आप याद रखेंगे हम इसको रोम्बस शो कर चुके हैं, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, रोम्बस की एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री, रीजन लिख देंगे आप, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस, ठीक है, इज 180। अब एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू, दोनों इक्वल हैं तो 180 का हाफ कितना हो जाएगा, 90। 180 को हमने दोनों में इक्वली डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, ईच एंगल 90, एंगल ए इज 90, एंगल बी इज 90। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रोम्बस के इक्वल होते हैं, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी 90, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी 90। इस तरह से चारों एंगल्स के आगे 90 आ गए, सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। Thank you.